पंचनद परिवारों की सेवा में सदैव तन मन धन से समर्पित रहूंगा, दुख सुख में अपने लोगों के साथ हर वक्त खड़ा मिलूंगा। ये शब्द सुभाष सुधा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने पंचनद स्मारक द्वार सेक्टर 25 स्थित एक निजी गार्डन में आयोजित सम्मान समारोह में कही। उन्हें पगड़ी भी पहनाई गई। सुभाष सुधा ने कहा कि आज ये सम्मान समारोह मुझे सेवा करने की ओर अधिक शक्ति देगा। उन्होंने मंच पर उपस्थित संत जनों महामंडलेश्वर श्री धर्मदेव महाराज एवं हरिद्वार जगन्नाथ धाम से आए महंत अरुण दास महाराज का आशीर्वाद लिया। पंचना स्मारक ट्रस्ट मेरा अपना ट्रस्ट है, इसमें हमारे संरक्षक स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी इसके हमारे संरक्षक हैं और मैं इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज मैं कहूँगा यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे भाई विक्की कत्याल जी ने, जिंदर गहरा जी ने पूरी पंचनद में रखा है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आदरणीय श्री प्रमोद विज जी हैं और हमारे गांधी जी हैं, बहुत से साथी हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव है, थोड़ी सी बात हो जाए, लोकसभा के चुनाव है और कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए, क्या कहें? देखिए, लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, हम तो स्टार्टिंग से जिस दिन से हमारा चुनाव खत्म होता है उसके बाद नेक्स्ट जैसे हम नया चुनाव की तैयारी कर देते हैं। हमारे यहाँ तो टोटल जिला प्रधान भी हैं, पन्ना प्रमुख भी हैं, पूरा संगठन काम करता है दिन रात। कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और मेरे यहाँ क्षेत्र में तो वैसे ही मैदान छोड़ के भाग गई कांग्रेस, वहाँ पे आम पार्टी को दे दिया टिकट, हमने तो लड़ना ही नहीं वहाँ से। लोग बीजेपी कार्यकर्ता आपके ठगा से महसूस कर रहे हैं, ये उनकी जबान है, ये पत्रकारों की जबान नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। वो कहते हैं जी 10 में से 6 उधार, फिर भी 400 पार कैसे, बताए जरा। देखिए, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में से 6 उधार, 10 की 400 पार कैसे? मैं उसका 10 की 10 सीटें जो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अपने संगठन के दम पर जीतेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जीतेगी। और मैं दावे को, जिनको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, जिन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखकर, वो अगर उनका हमारी पार्टी में आते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री जी, लोग कह रहे हैं कि 2014 से सरकार आपकी है, ऊपर भी और नीचे भी, क्या उनको हरियाणा में 10 कैंडिडेट बीजेपी के नहीं मिले जो कांग्रेस से ला ला के वो अपनी शपथ दिलवा रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन करा के मंत्री उनको लोकसभा प्रत्याशी? देखिए, प्रजातंत्र में कोई भी कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट आता है उसका स्वागत है। हम देखिए किस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है, किस प्रकार से आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा मेंबर है तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी आता है उसका स्वागत है। विदित रहे सुभाष सुधा पंचनद स्मारक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। विक्की कात्याल ने ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र गुलाटी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हरविंदर कोहली का भी शोल भेंट कर स्वागत किया। स्वामी महामंडलेश्वर धर्मदेव जी महाराज का एक स्वप्न था, जो 1947 में 63 लाख लोग चले थे और 11 लाख लोग शहीद हुए थे, उसके बाद यहाँ 52 लाख लोग पहुँचे थे हिंदुस्तान से हिंदुस्तान विभाजन में। वो इतना बड़ा त्याग जो हम लोगों ने हिंदू बनने के लिए दिया, तो उस त्याग को कभी याद नहीं किया गया। और कहते हैं ना, कोई शहादत होती है तो उसके लिए स्मारक बनता है, और यह बहुत बातें की जाती है, उनको पेंशन दी जाती है, कुछ किया जाता है, मगर उजड़ के आए थे हम, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आए थे। तो उसके लिए एक महाराज जी के एक मन में तमन्ना थी कि उनके लिए एक स्मारक बने जहाँ उनको याद किया जाए। तो कुरुक्षेत्र में 20 किले में इन्होंने एक स्मारक बनाया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे धर्मदेव महाराज जी, जहाँ पर ज्योत जलेगी कि जो शहीद हुए हैं 11 लाख लोग, उनकी याद में ज्योत जलेगी। और उनके पिंड के लिए ये गया पे 1400 लोगों की ट्रेन लेके गए और गया में श्रद्धांजलि दिलवाई। तो इसलिए, और उनके मन में था जो सुधा जी, हमारे सुभाष सुधा जी शुरू से ही 2008 से जुड़े हुए थे और वो अब मंत्री बने हैं, तो हमारा ये मन था कि पंचनद ट्रस्ट द्वारा उनका स्वागत किया जाए, सुभाष सुधा जी का, ताकि इन कार्यों को पूर्ण किया जाए और ये बात ऊपर तक पहुंचे कि इन कार्यों को। जो आपकी समिति है, संगठन है, हाँ जी, आपके जो ट्रस्ट है, आपने बात करी 20 एकड़ जमीन ली, इसमें गवर्नमेंट ने आपको कुछ एड किया है या आप लोगों ने? वो हम लोगों ने सबसे ट्रस्टियों ने 1 रुपया 1 दिन का करके पूरे हरियाणा में लोगों ने इकट्ठा किया
और हम सरकार से भी अब मिलजुल रहे हैं कि इसी बहाने धीरे धीरे से बनाने का कार्य पूर्ण हो। और सरकार ने, मोदी जी ने 2021 में लाल किले से विभाजन, क्योंकि 14 अगस्त को बहुत विभीषणता हुई जिसमें हमारे लोग बड़े शहीद हुए, तो 14 अगस्त को विभाजन विश्व का दिन घोषित किया गया, जो छुट्टी का दिन 14 अगस्त को घोषित किया गया, तो और 15 अगस्त को उसके बाद आज़ादी मनाई जाएगी। इसलिए ट्रस्ट और क्या सामाजिक कार्य करती है? हमारी ट्रस्ट जैसे धर्मदेव महामंडलेश्वर जी महाराज हैं, उनके स्कूल चल रहे हैं, गरीब बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, धर्मशालाएं चल रही हैं, और भी कई कार्यों में, नर्स सेवा, नारायण सेवा, कई कार्यों में लगी हुई है। इसलिए आज हम पानीपत, पूरे हरियाणा वासियों ने पानीपत में पंचनद के सदस्यों को इकट्ठा किया और एक अच्छी भावना कि एक इकट्ठे मिलकर एक अच्छे कार्य को आगे बढ़ाया जाए। हाँ जी, जो आपकी ट्रस्ट है, जो आपने बताया कि शहीदों के याद के नाम स्मारक बनाया, क्या उनके घर वालों को कोई सहायता राशि दी गई आपकी ट्रस्ट के द्वारा? हाँ जी हाँ, हम लोगों ने उनका मान सम्मान करने की जो भी कार्य किया है उसके लिए हम सब लगे रहते हैं कि उनके लिए पूरा सहयोग करते हैं। मैंने बताया ना, गया जाके श्रद्धांजलि करी, सब कुछ किया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।